ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया, नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, नहीं पाओगे नहीं पाओगे, नहीं पाओगे और हे गोपाल, लेके ग्वालों का घर में आना तेरा, और छींके चुराना तेरा, लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, और छींके से माखन चुराना तेरा, तेरे उधमों को हमने हंस कर सा, नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, हम दीवाने हुए, हमसे प्रेमी कन्हैया, हमसे पागल कन्हैया, नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्यार ब्रिज सा कन्हैया, वहाँ नहीं पाओगे नहीं पाओगे, नहीं पाओगे नहीं पाओगे। सबको रोता बिलखता छोड़ करके गोविंद मथुरा पधारते हैं। यमुना बाग में बीच में अक्रूर जी को दर्शन चतुर्भुजनाथ के रूप में देते हैं, फिर वहां पधारते हैं प्रभु। तो मथुरा के भीतर पधारते ही भवन के ऊपर चढ़कर नारियां पुष्प वृष्टि कर रही हैं। वब्रसुः कुसुमी कृष्णम प्रेम ब्रीड़ा स्मृति क्षण है। देखो, भगवान के ऊपर जो वार दिया जाए वो मन सुमन है, और जिन नेत्रों से भगवान के दर्शन करे वो सुलोचन है, और जिस मुख से भगवान की वाणी गाई जाए वो सुमुख है। सुमुख सुलोचन सुमन। अच्छा, सामने आकर तो वो स्वागत कर नहीं सकती क्योंकि कंस का भय है, तो महलों पर खड़ी होकर पुष्प वृष्टि कर रही है। अब पुष्प वृष्टि हुई तो कन्हैया के जितने भी सखा थे साथ में वो बोले, लाला नाना ना मैं आऊं तो स्वागत हुए, तो न जाने मामू जी के दरबार में तो कितो ही होसी। कन्हैया बोले, बेचारा ये सखा कहीं जाने के मामू जी क्या वास्ते बुलाए, वे तो घी बुरो लिया चार खड़े है। तो कन्हैया ने सखाओं से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले, लाला एक बात है, मैया को बाबा को और सब ब्रजवासियों को रोता बिलखता छोड़कर आए, तो अब वस्त्र भी ठीक से होने चाहिए, तो हम तो जो रात को पहन रखे थे वही पहन कर आ गए, हम ननिहाल में आए हैं तो वस्त्र तो बढ़िया से हो। कृष्ण ने कहा, अभी व्यवस्था करते हैं। तो यमुना जी के किनारे जो धोबी घाट है वहां जाकर के कंस का जो मुख्य धोबी कपड़े धो रहा था, बोले, मामा जी हमें वस्त्र दे दो, हम दरबार जाकर के जो वापस लौटेंगे तो दे देंगे। अब बताओ, कंस का धोबी है, कोई छोटे बड़े आदमी का धोबी थोड़ी है। अच्छा, जंगल में गाय चराई, पोखर का पानी पिया और ख्वाब देखते हो महाराज के वस्त्र पहनने का? जल्दी निकल जाओ, चंद मिनट के मेहमान हो, नहीं तो जो काम महाराज कंस करेंगे वो मुझे ही करना पड़ेगा, चले जाओ यहां से। एक सखा बोलो, लाला मामू जी तो उतावला बोला बोले, एक काम कर, तू पूतना हाथ दिखा दे, जो होगा सो मैं पीछे हूं। कन्हैया बोले, बस यही सही है। और गोविंद ने एक तमाचा उसके लगाया, सो गोविंदाय नमो नमः, सिर ही धड़ से अलग हो गया। अब जितने भी वो खड़े थे बोले, अरे भैया पूतना मारने वाला आ गया, अरे पूतना मारने वाला आ गया, भागे। वस्त्र अच्छे थे, बोले पहनो।
अब सबने वो वस्त्र पहन लिए, अब नाप के तो बने नहीं थे, तो चल रहे हैं तो रोड साफ हो रही है। एक सखा बोलो लाला वस्त्र तो बड़े अच्छे हैं, चमकीले चमकीले से, पर चल रहे हैं तो रोड साफ हो रही है। कन्हैया ने कहा अभी व्यवस्था करते हैं। और श्री कृष्ण ने एक दर्जी के यहां जाकर के कहा कि कपड़े काट छांट कर नाप के बना दो, तो उसने सिलाई करके कृष्ण को और सब सखाओं को पहना दिया। कन्हैया ने भक्ति का वरदान दिया और साथ ही कह दिया बोल जाओ कलयुग में आगे जितनी कपड़े की कीमत नहीं होगी उससे ज्यादा तुम्हारी सिलाई होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सिलाई कपड़े से ज्यादा। वहां से भगवान आगे बढ़े तो श्री रामा नाम के भक्त के पास जाकर माला पहन ली। कन्हैया ने सोचा वस्त्र भी बढ़िया है, माला भी ठीक है, लेकिन ब्रजवासियों के माथे पर चंदन ना हो, तिलक ना हो तो स्वरूप नहीं बनता। तो मुख्य राजमार्ग से होकर के एक कंस की सेविका जो हाथ में चंदन का कटोरा लिए जा रही है, तीन जगह से टेढ़ी, तो गोविंद ने आवाज लगाई बोले ओ सुंदरी जी। उसने मन में सोचा कि आज तक जिंदगी में कभी सुंदरी नहीं कहा, मैं तो तीन जगह से टेढ़ी हूं। और ये कह रहे हैं सुंदरी, भगवान पास में गए, उसके नेत्र भराए, बोले प्रभु आप व्यंग्य में कह रहे हैं मुझे सुंदरी, मैं तो कुरूपिणी हूं और आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं। भगवान बोले भले ही तुम दुनिया की दृष्टि में कुरूपिणी हो पर हमारी दृष्टि में नहीं हो। क्यों? बोले दुनिया के लोग भले चाम की सुंदरता देखें, दुनिया के जो लोग हैं वो भले इस चरण की सुंदरता देखें, लेकिन हम चाम की नहीं, हम तो राम की सुंदरता देखते हैं, कर्म की सुंदरता देखते हैं, चरम की नहीं। और भगवान ने तुरंत उसके थोड़ी सी अंगुली लगा करके ऐसे दबाया सो वो तो एकदम सीधी हो गई। सुंदरी क्या अब विश्व सुंदरी बन गई, परम सुंदरी बन गई। वो बोली प्रभु आज आपका ये स्वरूप देख करके मेरा मन होता है चंदन आपको लगा दूं। भगवान बोले इसलिए तो आवाज दिए लगाओ, और गोविंद को चंदन लगाया। प्रभु वहां से आगे बढ़ते हैं, अब रंग भूमि बनी है, स्टेडियम, तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं, बीच में वो धनुष रखा है जो शिवजी ने दिया था कंस को। 60,000 हाथियों का बल लेकर के कुवलिया पीड़ हाथी मुख्य दरवाजे पर खड़ा है। कृष्ण और बलराम ने उसके दांत उखाड़कर पेट में घुसेड़ दिए। फिर अंदर घुसे चांडू और मुष्टिक सल कौशल जितने पहलवान आ रहे हैं सबको प्रभु ने मार दिया। धनुष के दो टुकड़े करके एक कृष्ण एक बलराम ने लिया, जो आए उसी का गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ने चांडू सल ये कौशल जितने पहलवान है कंस के सबको समाप्त करके ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा था जाकर के इस पकड़ दिया, घसीटने लगे। कंस घबराया बोले अरे अरे ये ग्वारिया कहां से आ गया, मेरे केस छोड़ो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। कृष्ण ने कहा मामा जी आज आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से भी दर्द दर्द होता है। क्यों? याद करो जब मेरी मां देवकी और उसके विवाह के बाद जब आप पहुंचाने जा रहे थे तो आकाशवाणी के कहने से आपने भी तो मेरी मां के केस पकड़े थे, पर उस समय आपको क्या पता केस पकड़ने से भी दर्द होता है। आज तो इसलिए पता चला कि आपका भी नंबर लगा है। जाके पावन पटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। कंस ने कहा सब पहलवान कहां मर गए। गोविंद ने कहा ज्यादा बड़बड़ करने से मामा जी कुछ भी नहीं होने वाला है, वो सब तो वहां चले गए जहां आप श्री का जाना बाकी है, वो वहां चले गए जहां बाप का जाना बाकी है। देखो दो अवतार भगवान के श्रेष्ठ है, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में भगवान ने मर्यादा की लीला करी तो अपने आप को छुपाया, राम जी से कोई भी परिचय पूछता तो वो कहते हैं मैं संतों के चरणों का दास, दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम। और कृष्ण से कोई कहते तो वो बोलते मैं योगेश्वर हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुते, तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। राम 100% अपने आप को छुपा रहे हैं और कृष्ण 100% अपने आप को प्रकट कर रहे हैं।
इसका मतलब या तो शत प्रतिशत छुपाएं वो भगवान है, या शत प्रतिशत अपने आप को बताएं वो भगवान है। बीच अड़ीसा कूलर है। बोलो जय श्री कृष्ण। परिपूर्णतम परमात्मा तो भगवान राम और कृष्ण है, इसमें निंदा नहीं है, क्योंकि वृक्ष की डाली फूल फल पत्ते शाखाएं सब हैं, पर मूल तो एक ही है। मूल के बिना फूल थोड़ी है, तो बाकी के देवी देवता जितने भी हैं उसकी शाखा है। और हम जब तक परम आराध्य उस परमात्मा का श्री राम कृष्ण का ध्यान नहीं करेंगे तो बाकी देवता कुछ भी नहीं होंगे। और पक्की बात है, जिया मान लो पतिव्रता स्त्री हुए तो पतिव्रता स्त्री को मतलब पति की सेवा करे, पति की बात माने, आज्ञा पालन करे, लेकिन इनको मतलब वो तो कोनी की पति की सेवा तो करे पर जेठ जी निकाल का दे, घूंघट लगा के ससुर जी को जो मर्जी आए बोले। पतिव्रता का मतलब क्या है? बोले पति की आज्ञा तो पालन करे लेकिन जेठ जी का भी सम्मान करें, ससुर जी की बात भी माने, देवर से भी दुलार करें, परिवार के सभी सदस्यों से यथोचित व्यवहार करें, वो पतिव्रता कही गई है। तो हम लोग क्या है? हम भगवान की पत्नियां हैं। पत्नियां माने आत्मा के पति, बोलते ना हम लोग आत्मा के पति परमात्मा, और सब लोग हम स्वीकार भी करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तो हम सबके पति भगवान है। पति माने कोई पति पत्नी के इस वैवाहिक क्रम को नहीं कहा है, पति माने होता मालिक, और भगवान हम सबके मालिक है, इसलिए वो सबका प्राण पति है। अच्छा, तो हम सब आत्मा वो परमात्मा, तो बोलो उसका सम्मान तो हम करें, और बाकी किसी देवी देवता को ना माने तो उस पति को तकलीफ होगी कि नहीं? इसलिए निंदा किसी की नहीं करनी है, प्रणाम सबको करना है, वंदन सबको करना है, पर इष्ट एक ही होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इष्ट एक हो, निंदा किसी की नहीं, प्रणाम सबको करो, वंदन सबको करो, लेकिन जो पति का स्थान है वो तो वही रहेगा। भगवान ने कंस का उद्धार किया और फिर सांदीपनी के यहाँ उज्जैन में पढ़ने को जाते हैं। नंद बाबा आदि जो सखा आए थे उन्हें समझा करके भगवान वापस भेजते हैं। उज्जैन में जाकर के 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्विद्या, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, 6 प्रकार की राजनीति ये सीखी। सबसे पहले धर्मशास्त्र सीखा, न्याय शास्त्र सीखा, और जिसको धर्म और न्याय का बोध नहीं है वो राजनीति करने का अधिकारी नहीं है। आजकल राजनीति पहले सीखते हैं, धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। धर्म राजनीति के ऊपर होना चाहिए, राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए। आप सूर्य वंश की 40 पीढ़ियां उठा करके देख लो, समस्त राजाओं ने वही किया जो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा। धर्म राजनीति के ऊपर हो, लेकिन आजकल तो राजनीति धर्म के भीतर घुस गई है, धर्म में भी राजनीति हो रही है। और एक मानस का सूत्र है, राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, राज उसी का टिकेगा जो नीति से करता हो। नीति के बिना राज ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और धन उसी के पास टिकेगा जो धर्म करता हो। बिना धर्म किए धन ज्यादा दिन टिकने वाला। एकादशे वर्षे प्राप्ते सामूलम तद विनश्यति, अन्याय का धन रहता है वर्ष 5 और 7 12 वर्ष लगते ही जड़ा मूल से जात। इसलिए धर्म करोगे तो ही धन टिकेगा, नीति से चलोगे तो ही राज टिकेगा। तो नीति के बिना राज नहीं, धर्म के बिना धन नहीं, परमात्मा को समर्पित किए बिना कर्म नहीं, कोई सफल नहीं होता। और कोई आदमी अहंकार करे तो ज्ञान नहीं टिकेगा, अहंकार के यहां ज्ञान नहीं टिकता। गलत संगति करे तो संन्यास नहीं टिकेगा, और शराब पिए तो खानदान नहीं टिकेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। शराब भी पिए और ये सोचे कि हमारी खानदानी बनी रहे तो शराब पीने वाला खानदानी कितने दिन रही बनी।
राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। ये मानस के सूत्र है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में संपूर्ण विद्या सीख ली, धनुर्वेद, न्याय शास्त्र, 6 प्रकार की राजनीति पढ़ करके लौटे। पर मथुरा आने के बाद हमेशा उदास रहते, दुखी रहते, किसी से बात नहीं करते, एकांत में रोते रहते। एक दिन माँ देवकी ने कहा कि जब से कृष्ण वृंदावन से आया है किसी से बात नहीं करता, हमेशा उदास रहता है, आप पूछो तो सही कारण क्या है, कोई तकलीफ है? वसुदेव जी ने कहा कि देखो देवी, अब ये जब से आया है, जन्म लेते ही हमने पहुंचा दिया था और आज 11 वर्ष 56 दिन का होकर आया है, तो हमें ये पता भी नहीं है कि क्या स्वभाव है, क्या इच्छा है। उद्धव जी को भेजा, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैताय सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धव बुद्धिशत्तमः। एक बृहस्पति जी का शिष्य है, नाम है श्री उद्धव जी महाराज, कृष्ण के सखा है। आप जाओ गोविंद से पूछो। उद्धव जी ने जाकर के कहा, गोविंद तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो, तुम्हें कोई मथुरा में कष्ट है? भगवान ने रोते रोते उद्धव जी को हृदय से लगा करके कहा, हे उद्धव, तुम्हारी मथुरा में कोई भी परेशानी नहीं है? उद्धव ब्रज विसरत नाही, मेरे वृंदावन की याद आती है। हंस सुता को सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। अच्छा उद्धव, मैं थोड़ा सा दूध कम पीता तो माँ दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती कि मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया, क्या तकलीफ है? देखो थोड़ा भी कुष्ठ होता तो माँ बड़े बड़े विद्वानों को, ज्योतिषियों को बुला करके कुंडली दिखाती। वृद्धा माता मेरे रथ के पीछे रोती रोती आई और मैंने उसे कह दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा। अरे मुझे परसों की छोड़िए, बरसों तक नहीं जाना था तो धोखा क्यों किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समस्त ब्रजवासियों के साथ धोखा किया है। किशोरी राधा रानी, समस्त गोपियां, अरे जब मैं मुरली बजाता तो मुझे ब्रज की गायें, मृगमालाएं, वो सब घेर कर खड़े हो जाते, पक्षी भी कलरव करना बंद कर देते, नेत्र मूंद कर मेरी मुरली सुनते। मैं उन्हें परसों की कहकर आया, भुला दिया मैंने। हाँ, तुम्हारी मथुरा में कोई कष्ट नहीं है? यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुकुता जिए माही, पर क्या करूं, जब ही सूरत आवत सुख की, जिए उमगत मन माही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत। उद्धव, मथुरा स्वर्ण नगरी है, कंचन की नगरी है, कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे ब्रज जैसा प्रेम कौन दे सकता है? गोविंद विकल होकर के रुदन करने लगे। अच्छा एक काम करो उद्धव, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनकी याद क्यों आती है, इतनी याद क्यों आती है? शायद वो भी मुझे याद करते होंगे, तभी तो मुझे इतनी याद आती है। एक काम करो, तुम जाओ और उन्हें जाकर के समझाना कि वो लोग मुझे भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे तो मैं भी, मुझे भी शायद उनकी याद ना आए। उद्धव जी रोते हुए बोले, वाह रे कृष्ण, परसों की कह करके आया, बरसों बीत गए और आज मित्र भेज रहा है, स्वयं नहीं जा रहे? तेरे जैसा निष्ठुर को दुनिया में नहीं देखा मैंने गोपाल, कारी कमरियां ओढ़ करके जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ। उद्धव जी महाराज चलते हैं।
उद्धव जी महाराज को गोविंद वृंदावन भेज रहे हैं, पर ध्यान देना, ज्ञानी उद्धव को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहम है, अभिमान है, तो भगवान ने वो ज्ञान का घमंड तोड़ने के लिए भेजा है। जाओ उद्धव, रथ लेकर के उद्धव जी चले। अच्छा, इधर इन ब्रजवासियों की क्या हालत है, रोज सवेरे जाकर के मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। सैत लाला आज आ रहा होगा, हमारा कन्हैया आज आ रहा होगा, हमारा गोपाल आ रहा होगा। प्रतिपल गोविंद के स्मरण में समय बीतता, दिन भर मथुरा वाले रास्ते पर बैठते, शाम को जब नहीं आता तो लौट कर जाते हैं मैया से, कहते मैया आज भी ना आयो। रात भर बिताते, सुबह फिर मथुरा जाने वाले रास्ते पर, आज रथ आता दिखाई दिया, कृष्ण के सखा मधु मंगल सुबल तो श्री रामा मनसुखा धन सु, अरे लाला हो न हो हमारा कन्हैया आ गया, हमारा गोपाल आ गया, देखो रथ आ रहा है, ये वही रथ है जिसमें कृष्ण गया था। सखा उठे, तब तक मधु मंगल बोला जाओ तुम मिलो, तुम करो बात उससे, मुझे मिलना नहीं है, मैं रूठ गया उससे, वो आएगा, कान पकड़ करके फिर कभी मुझसे गलती ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करेगा, मेरे चरण पकड़ेगा, मुझे मनाएगा, कोई बात करूंगा नहीं तो बोलना नहीं है। रूठ करके झाड़ी में बैठ गया, लेकिन जितने सखा थे उनसे रहा नहीं गया, बोले शिकायत बाद में करेंगे, एक बार गोपाल से मिल ले। दौड़ करके गया और जा करके, अब जो पीछे रहा था मधुमंगल वो तो सबसे पहले पहुंच गया, कृष्ण के बिना कैसे रह लो। रथ का पर्दा उठाया, देखा भीतर कोई और ही बैठा है। आप? हाँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, उद्धव नाम है मेरा, यदुवंशियों का महामंत्री हूँ, ये मेरा परिचय, कृष्ण ने भेजा है मुझे, आपकी याद आती है मुझे, मान यशोदा का, नंद बाबा का महल बता सकते हैं? सखा बोले बारे गोपाल, बरसों के बाद में भी याद आई तो खुद नहीं, मित्र भेजा है बारे कन्हैया, तू बड़ा निष्ठुर है। एक सखा ने कहा, जिसे जीवन में एक बार गोविंद का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, न पूछो इस दिल की बेकली का हाल, न प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है, भला आप किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वेद मिलता है न कोई उपचार मिलता है, अरे दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ कुछ छल छलाता हुआ अस्त्र बिंदु दिखलाई दे उसी भागवत में सांवरा सरकार मिलता है। कृष्ण खुद नहीं आया, महल बता दी थी मुझे माँ यशोदा का। एक सखाने का, लाला ये जो पनारा दिख रहा है पानी का नाला, बोले हाँ, पर ये कोई पानी का नाला नहीं है, कृष्ण के विरह में यशोदा मैया, नंद बाबा, हजारों गोपियां, लाखों गायें, कृष्ण के सखा जो रोते हैं उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं ने ही इस पनारे का रूप ले लिया है। इसके किनारे किनारे जाओ और जहां उद्गम है वही नंदरानी यशोदा का महल। उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, बोले हे भगवान इस ब्रज में इतना प्रेम। उद्धव जी महाराज आए, भीतर भवन में प्रवेश किया तो यशोदा माँ तो बैठी रो रही है, कई कई दिन तक कुछ खाती नहीं है मैया, अचेतन अवस्था में, और रात के रोने से मैया की नेत्र ज्योति भी कमजोर हो गई। उद्धव जी जाकर के बोले, माँ प्रणाम करता हूँ मैं कृष्ण का सखा, प्रणाम, धीरे बोले, धीरे बोले, क्यों मैया? बोले आप जोर से बोलोगे तो मेरे लाला जिनको अभी सुलाया वो उठ जाएगा। कौन? बोले कृष्ण। अरे मैया मैं तो उनको मथुरा में छोड़कर आया हूँ। नहीं नहीं मेरा लाला कभी कहीं नहीं जाता मुझे छोड़कर, आप बता सकती है मुझे? हाँ, कृष्ण जिस कक्ष में शयन करते थे माँ उद्धव का हाथ पकड़कर लेकर गई, लेकिन उस कक्ष में जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव
यही वो कृष्ण हैं, यही वो कक्ष हैं जहाँ मेरा गोपाल शयन करता, पर मुझे क्यों आज भी ऐसा लगता है कि यही होगा, यही होगा। ये मेरा पिच्छासी चौक का भव्य भवन, इसी आंगन के भीतर कभी मैं अंगुली पकड़ करके नृत्य करवाती और मेरा गोपाल नृत्य करता, नाचे नंदलाल नचावे हरि की, मेरा गोपाल ठुमक ठुमक कर नृत्य करता, पर आज ये पूरा सूना पड़ा है, कोने कोने में कृष्ण 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 की ध्वनि आ रही है। और अनेक कृष्ण के बचपन की घटनाएं मैया सुनाती है। अच्छा उधर एक दिन की बात, मैंने रोटी पर माखन धर करके गोपाल को दिया और मेरा कृष्ण ठुमक ठुमक कर नाचे नृत्य करें, माखन रोटी खाएं। उसी समय उड़ता हुआ एक कौवा आया और गोविंद के हाथ से वो माखन रोटी छुड़ा करके भागा। रसकांत जी कहते हैं, धोली भरे अग सोहत श्याम जुन, कैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवि को रस खान बिलोकत, वारती काम कनानी जी कोटी, काग के भाग कहा कहियो, हरी हाथ सु ले गयो माखन रोटी। धूली भरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, वारती काम कला निधि कोटी, पर उस काग के भाग की कहा तक कहिए, हरी हाथ सु ले गयो माखन। मेरा गोपाल मचल गया, मैं वही रोटी को लूंगा, चाहे कौवा से युद्ध क्यों न करना पड़े। सब सुना है उसके बिना। उद्धव जी ने बार बार प्रणाम किया, बोले मैया मैंने ये नहीं सोचा था, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी तेरे चरण की धूल के एक कण के बराबर वार दिए जाए तो भी बराबरी नहीं हो सकती। आप तो इतनी महान है मां, मुझे गोपियों से भी मिलना है। ऐसा कह करके उद्धव जी नंद भवन से निकल करके सीधे मधुवन में चले गए। गोपियां बैठी है अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही है। एक कहती कि श्याम सुंदर सपने में आए मटकी फोड़कर चले गए, एक बोली हमारे घर बछड़ा खोल के चले गए, एक बोली हमारे घर माखन चोरी करके चले गए। तो किशोरी राधा रानी से पूछा, हे किशोरी जी क्या आपको सपने में श्याम सुंदर नहीं दिखते? तो राधिका जी ने कहा, बोली स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियो सीता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवैनी। हे ब्रजबामाओं, तुम सब बड़ी भाग्यवती हो जिन्हें श्याम सुंदर स्वप्न में दिखाई देते हैं, पर मैं क्या बताऊं, जिस दिन से गोविंद मथुरा गए मेरी बेरिनी नींद भी उनके साथ साथ। अरे नींद आवे तब तो सपना आवे, और सपना आवे तब तो दिखाऊं सुनाऊं, मेरी नींद भी चली गई। उद्धव जी महाराज ने सोचा, हे भगवान गोविंद गए उस दिन से सोई नहीं। पीछे खड़े उद्धव जी सुन रहे हैं। गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही थी, तब तक वहां उड़ता हुआ एक भंवरा आ गया, भ्रमर। भ्रमर को देख करके एक गोपी ने कहा, अरे देखो देखो ये भ्रमर भी काला और कृष्ण भी काला, इसका मतलब ये काले काले जितने भी ये सब कपटी है। उधो ये कारे कारे सब जी बुरे, कारो अंजन देत मृगन में गहरी चोट करे, कोयल को सुत कागा पाले अपनो ही ध्यान धरे, पंख लगे तब उड़ने लागे जाए कुटुंब मिले, अरे सूर श्याम कारे मतवारे से काल डरे। उधो ये कारे कारे सब ही, ये काले जितने भी है सब कपटी है, ये भ्रमर भी काला कृष्ण भी काला। तब तक एक गोपी क्या बोली, वो आज का कपटी है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। क्यों? मृगयूरिव कपिन्द्रं विव्यते दुग्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयानां। यदि वो कपटी नहीं है तो बताओ क्या बिगाड़ा था बिचारे उस बाली ने, छुपकर बाण मार दिया।
अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे राजा बलि ने, बावन अंगुल का बनकर गया, सब लूट लिया बेचारे का। क्या बिगाड़ा था उस सूपन खाने, शादी नहीं करनी तो मना कर देते, बस बात खत्म। शादी की नहीं और शादी के योग्य छोड़ा और नहीं, बेचारी का नाक कान काट दिए। वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। इस कपटी से जिसने प्रेम किया मिला क्या? हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, बेटा और पत्नी के सहित जाकर दिखना पड़ा। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर हारी चलानी पड़ी। ददीची ने, शिवी ने प्रेम किया, काट काट कर हड्डियां ही तोड़नी पड़ी। क्या मिला जिसने इस कपटी से प्रेम किया और हमने किया, आज रो रही है। उद्धव जी महाराज ये सब वार्ता सुनकर के सामने आए, बोले देवियों प्रणाम करता हूं, तुम्हारी ये सत्संग डेढ़ घंटे से सुन रहा हूं, मेरी बात सुनो। बोले जिस कृष्ण को तुम अपना प्रियतम मान रही हो, जिस कृष्ण को तुम अपना सर्वस्व समझ करके रो रही हो, वो कृष्ण किसी का प्रियतम नहीं है। वो तो ब्रह्म है, वो तो भगवान है, वो तो निराकार है, वो तो निर्गुण है। इसलिए ये भटकाव खत्म करो। ब्रह्म के कोई हाथ नहीं होता, कोई पांव नहीं होता, बिनु पद चले ही सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे, बिनु नान करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु पांव चले, बिनु कान सुने, बिनु हाथ करोड़ों काम करे, हर जगह पे भगवान वास्ते रहा तू महापरले में ना मरे। वो तो निर्गुण निराकार है। इसलिए ये भटकाव खत्म करके मन उस ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा अच्छा, मन ब्रह्म में लगाए। बोले हाँ। बोली उद्धव ये मन ना रहे दस बीस, एक हो तो वो गयो शाम संग। ये मन तो एक होता है और वो एक मन माधव मथुरा ले गया। अब दूसरा मन ही नहीं है तो तेरे इस ब्रह्म के लिए लावे कहां से? एक मन था वो गया। पर हमारी भी एक बात सुनो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, हम किसी भगवान को नहीं जानती, और तुम कहते हो कि वो भगवान है, उसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है। पाँव नहीं है तो गाय चराने गया कैसे, हाथ नहीं तो माखन चोरी करे कैसे, और शरीर नहीं है तो लीला रास लीला करी कैसे? उद्धव तुम भय बोरे पाती लोके आए, दोरे तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। और हमारी भी सुन लो, शाम तन शाम मन शाम ही धमारो धन आठो याम, उदो हमें शाम ही तो काम है, शाम ही है शाम ती है, शाम बिना ना ही जिए, आंधे किसी लाकड़ी आधार शाम नाम है, शाम गति शाम मति शाम ही है, प्राणपति शाम सुखदाई सो भलाई शाम नाम है। हम किसी को नहीं जानती और किसी को जानना चाहती भी नहीं, हमारा तो सर्वस्व श्री कृष्ण है, तन मन धन केवल बोली। अच्छा ना मिले कोई बात नहीं, परवाह नहीं है, रोते रोते उम्र बिता देगी इस ब्रज की कुंजन गली में। पर किसी कृष्ण के अलावा एक जगह तो गाली भी दे दी गोपियों ने। भागवत में श्लोक लिखा है बड़ा सुंदर, आश्लिष्ट वा पादरताम पृष्ठ माम अदर्शनान माम कर्म हतो मर्म हतान करो तु वह यथा तथा विदधातु लंपटो लंपट। उस लंपट की जैसी इच्छा है वो करे, लेकिन मत प्राणनाथस्तु से एव ना परे। हमारा प्राणनाथ तो वही है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगी, लताओ हमें ब्रज की गुजारा करेगी, लताओ ब्रज में गुजारा करेगी, कभी तो मिलेंगे वो बा कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पकड़ कर मनाया करे, कन्हैया 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 पुकारा। ऐसा करके गोपियां रुदन करने लगी, हा नाथ हा रमा नाथ मग्न मुद्वर है गोविंद। ऐसे भाव से गोपियां, उद्धव जी से बोली उद्धव तुम चले जाओ, बस हम जैसी भी हमारे हाल में छोड़ दो, तुम चले जाओ उद्धव, क्योंकि हे उद्धव जा जा वही उद्धव तुरिया जा दुखियान सदा के की लेना,
जेरे जख्म सामने पाए सी जख्म बखा के की लेना जा जा भाई उदो तुरिया जा सानू गहरे गमा विच रोड़ गया साडिया लगिया प्रीता तोड़ गया पंजाबी के संत गाते हैं पर वो जूदा रहे बस वशदा रहे असि ओनु तड़फा के की लेना सुपने भी चांदा रहता है आप ऐसा सोचते कि वो नहीं मिलता है गलला गल नाल लोंदा रहता है हरदम यो नाल ही रहता है असि मथुरा जाके की लेना तेरी मथुरा क्यों जाए हम वो तो यही है। अच्छा ये तो पंजाब के संतों की बात हुई पर वृंदावन में कैसे गाते हैं। गोपियां सब उद्धव जी से कहने लगी बोले ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है सर देकर होते सोने सर देकर होते हैं होती है पूजा दम में होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है पूरा से लगा बैठे का देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा।
करते थे के चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे के चुप चुप याद करते थे, के चुप चुप याद करते थे, लोअत पर्दा उठा बैठे, लोअत पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ये तो प्रेम की बात है यो तो, बंदगी तेरे बस की असल में है मस्ती में दूरे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी, जो असल में है मस्ती में दूरे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है उधो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही प्यारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर भी तरसती नहीं है, वो नजर भी तरसती नहीं है, होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है यो दो, ये तो प्रेम की बात है यो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज कृष्ण को कहकर आए थे एक घंटा रुकूंगा, लेकिन छह महीना लग गए। ज्ञान की जो जो अहम लेकर आए थे ज्ञान का, वो ज्ञान वाली सदर गुदड़ियां बन गई। आज भी वृंदावन में उस जगह का नाम है ज्ञान गुदड़ी, जिस जगह ये संवाद हुआ था उस जगह का नाम है ज्ञान गुदड़ी। और ब्रज के संत गाते हैं, बोले ऊदो सूदो है चलो, ऊदो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी तो प्रेम बजायो। उद्धव जी के ज्ञान की डुगडुगी गोपियों के प्रेम के ढोल के आगे बजती रही। प्रणाम करके बोले, मैं वंदन करता हूँ, तुम्हारे चरण की धूल को मस्तक से लगाता हूँ, क्योंकि हे ब्रजांगनाओं, रात दिन तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा निकलती है, इसलिए तुम बड़ी भाग्यवती हो। भाग्यवान वो नहीं है
जिसका बड़ा प्रबल प्रचार हो। आजकल छपवाते ज्यादा छुपाते कम है। भाग्यवान कौन है जिसका हरि कथा से संबंध जुड़ जाए। लोग भी कई बार कथा करने जाते हैं, जैसे अभी 21 से कानपुर है तो साल में एक आध बार कथा करने जाते हैं मद्रास चेन्नई में साहूकार पेट में, वहां हमारे राजस्थानी ही बंधुजन है वो कथा करवाते हैं। तो जब मैं गया पिछली बार राम कथा करने तो वो लोग बोले महाराज बड़ी कृपा आप लोग देखो दक्षिण भारत में 3000 किलोमीटर लेकर के राम कथा आए। मैंने कहा नहीं नहीं भैया मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। वो बोले कैसे, मैंने कहा मैं राम कथा को लेकर नहीं आया हूँ, तो राम कथा ही मुझे लेकर के आई है। मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं कथा को लेकर के जाऊं, ये तो कथा माता की कृपा है कि मुझे ही लेकर के सब जगह घूम रही है। जब तक बिके न थे तब तक कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, ये तो भगवत कृपा है। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने कहा कि ठीक है मैं आपको गोविंद से मिलाऊंगा, वापिस आए और कृष्ण से बोले कि तेरे जैसा निष्ठुर दुनिया में नहीं देखा, कैसे रह लेता हूँ बेचारे उन बेचारे बोले भाले ब्रजवासियों के बिना। बोले यही तो बात है, क्योंकि उद्धव तुम ज्ञानी तो थे पर केवल ज्ञान जिसके पास और भक्ति ना हो वो ज्ञान अंधा होता है, इसलिए अब भक्ति की पुट भी लग गई है। तो भगवान ने संपूर्ण ब्रज का दर्शन वही करवा दिया, सबका दर्शन करवा दिया। और ठाकुर जी से संबंध जोड़े तो आज भी प्रभु किस तरह हाजिर होते हैं, ऐसी एक सत्य कथा में आपको ये समाचार ये सूचना जो दे रहे हैं इसके बाद बताऊंगा सुनाऊंगा आपको। हमारे रामकिशन भैया जो सूचना दे रहे हैं मंच से, भामाशाह दानदाता गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं। आपको विदित भी है कि ये कथा हमारे कन्हैयालाल जी करवा रहे हैं, पर इस कथा का